नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद में अपमार के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यह वर्षा ऋतु में पैदा होता है। इसके पत्ते अंडाकार 1 से 5 इंच तक लंबे और रोम वाले होते हैं। यह सफ़ेद और लाल दो प्रकार का होता है। सफ़ेद अपमार के डंठल व पत्ते हरे व भूरे रंग के होते हैं। इस पर जौ के समान लंबे बीज लगते हैं। लाल अपमार के डंठल लाल रंग के होते हैं और पत्तों पर भी लाल रंग के छींटे होते हैं। इसकी पुष्प मंजरी 10 से 12 इंच लंबी होती है, जिसमें विशेषतः पोटास पाया जाता है। अपमार खाने से ताकत आती है। यह पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए यह पौधा काफ़ी फायदेमंद है। अपमार मूल चून 6 ग्राम रात को सोने से पहले लगातार 3 दिन जल के साथ पीने से रतौंधी में लाभ होता है। जानवरों के काटने व सांप बिच्छू जहरीले कीड़ों के काटे स्थान पर अपमार के पत्तों का ताज़ा रस लगाने से और पत्तों का रस 2 चम्मच की मात्रा में 2 बार पिलाने से विष का असर तुरंत घट जाता है और जलन तथा दर्द में आराम मिलता है। इसके पत्तों की पिसी हुई लुदगी को दंश के स्थान पर पट्टी से बांध देने से सूजन नहीं आती और दर्द दूर हो जाता है। अपमार की शाखा मतलब कि डाली से दातुन करने पर कभी कभी होने वाले तेज दर्द खत्म हो जाते हैं तथा मसूड़ों से खून का आना बंद हो जाता है। अपमार के फूलों की मंजरी को पीसकर नियमित रूप से दांतों पर मलकर मंजन करने से दांत मजबूत होते हैं। अपमार के पत्तों का रस छालों पर लगाएं, इससे आपके छालों में आराम मिलेगा। अपमार की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करने से गर्भधारण होता है। दूसरे प्रयोग के रूप में ताजे पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित सेवन से भी गर्भ स्थिति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपमार के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है। अपमार की जड़ को पानी में घिसकर बनाए लेप को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द दूर होता है। सरसों के तेल में अपमार के पत्तों को जलाकर मसल लें और मलहम बना लें। इसे गंजे स्थानों पर जहाँ से भी आपके बाल उड़ चुके हैं उस जगह पर नियमित रूप से लेप करते रहने से पुनः बाल उगने की संभावना होती है। अपमार के जड़ तना पत्ती फूल और फल इन सब को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर तैयार करें और इससे स्नान करें। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कुछ ऐसा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।